जय हिंद जय भारत। आज की हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिचर्ड एच एल्ब्राइट की कहानी है कि किस तरह से उन्होंने रिसर्चें करी, बचपन कैसा था, कॉलेज में कैसे थे, प्रोफेशनल स्टडीज़ कैसे करी, कहां कहां पे कौन से टाइम पर अवार्ड्स मिले, प्राइजेस मिले, कौन से रिसर्च के लिए वो फेमस हुए, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले बात करें रिचर्ड एच एल्ब्राइट की, स्कूल के बारे में बात करें या यंग जनरेशन में बात करें, जब वो बचपन में थे। बेटा बचपन में देखो हमारे शौक़ क्या होते हैं यार, कोई डोरेमोन देखना, सिंचैन देखना, कंचे खेलना या कुछ भी हो सकता है, छोटे क्रिकेट खेलना, छोटी गाड़ियाँ चलाना, उनके शौक़ थे बचपन से ही। उनको बेटा बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का बड़ा यूनिक सा शौक है बेटा, बटरफ्लाइज, तितलियाँ पकड़ पकड़ के ले आते, कई तरह से रॉक्स इकट्ठी करते रहे, फॉसिल जो रिमेनिंग होते हैं और कॉइन्स इकट्ठे कर ले, मतलब इससे वो दिखाता है उनका क्यूरियस नेचर बचपन से ही था, ऑल ऑफ ए सडन नहीं आया था। उनकी जो मदर थी वो बड़ी सपोर्टिव थी, इनके फादर भी नहीं थे तो इनके लिए इसकी मदर ही कहती हैं कि मेरे लिए मेरा बेटा ही सब कुछ था, क्योंकि इकलौता बेटे थे, ओनली चाइल्ड थे। वो उनको टेलीस्कोप ला के देती, माइक्रोस्कोप ला के देती, कैमरा, माउंटिंग पर सारे, जो जो मतलब एक माँ माँ होती है ना। और ऋषि कपूर साहब ने बोला ना, वो जंजीर मूवी में अमिताभ बच्चन को बोलते हैं, तो अमिताभ बच्चन उनसे पूछते हैं भाई तेरे पास क्या है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है। ये वही माँ है बेटा, तो हर तरह से अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करी। और सेकेंड ग्रेड तक पहुँचते 25 स्पीसीज बटरफ्लाई की 25 प्रजाति, देखो हमें आज तक भी एक या दो प्रजाति नहीं पता होगी, सेकेंड ग्रेड तक पहुँचते 25 प्रजाति इकट्ठी कर ली। अब इनको लगा कि यार अब इस तरह क्या हो रहा है, ऑल ऑफ ए सडन की मम्मी ने बुक ला के दी इनको ट्रैवल ऑफ मोनार्क। ट्रैवल ऑफ मोनार्क बेटा, मोनार्क एक बटरफ्लाई का नाम होता है, और उसकी जर्नी दिखाई थी कैसे वो सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करके जाती है। तो जब इन्होंने इस बुक को पढ़ा, इनकी थिंकिंग ही बदल गई भाई, थे तो छोटे बट थिंकिंग बदली ना कि ऐसा भी होता है, इतनी दूर दूर तो जाती है। इनको तो लगा था बस 25 स्पीसीज होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो उस बुक के एंड में जो राइटर थे उन्होंने अपना लिख रखा था कि भाई फीडबैक मांगे थे आप क्या करो, और रीडर्स से बोला था कि अगर आपको लगता है तो आप हमसे मिलें। तो इनको बेटा टोरंटो बुलाया गया, टोरंटो कनाडा है, और जो राइटर थे फ्रेडरिक यूरकुहार्ट, इन्होंने उसको बुलाया। अब वहाँ जाके वहाँ पे क्या करा, इन्होंने कहा देखो हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हो चुके, किसने, यूरकुहार्ट ने, जो राइटर थे उस बुक के ट्रैवल मोनार्क के, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बटरफ्लाइज पर रिसर्च करेंगे। तो शुरुआत में जो है एल्ब्राइट को एक काम तो बड़ा इंटरेस्ट लगा, उन्होंने क्या करा बटरफ्लाई पे टैग लगा दिए, बटरफ्लाइज पे टैग लगा दिए, और देखने के लिए कि कौन सी बटरफ्लाई कहाँ जाती है, और बटरफ्लाइज को बेटा अपने ही यहाँ पे ग्रो करा उन्होंने, मतलब ऐसे। अब ये हुआ बेटा, जैसे मान लीजिए उन्होंने कई 25 बटरफ्लाई थी, तो सिर्फ उसमें से सिर्फ दो ही बची बेटा, बाकी तो कहीं उड़ के चले गए, दो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए, 75 माइल्स तक जा पाई। तो ना ये काम बहुत बोरिंग सा लगने लगा यार, बटरफ्लाई पे टैग्स रखो नज़र रखो, और कुछ हो भी नहीं रहा था, तो बड़ा बोरिंग लगने गया, वो अपना इंटरेस्ट लूँ गए। फिर क्लास 7th में आए तो इसके काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट, काउंटी होता है लोकल बेटा, काउंटी क्रिकेट खेली जाती है रीजन लेवल पे, साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा। वहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक फ्रॉग टिश्यूज को एक स्लाइड पे रख के दिखा दिया, तो उस समय उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। अब बचपन में देखो आप क्लास में सेकेंड आते, थर्ड आते थे, फोर्थ आते थे, लेकिन उम्मीद तो रहती है अवार्ड मिले किसी भी चीज़ का। बचपन में क्या पूरी लाइफ में बेटा एक होता है कि आपको अप्रेजल चाहिए होता है, आप ऑफिस में अच्छा काम करते हो आपको लगता है अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, बोनस होगा, प्रमोशन होगा, आप स्कूल एथलीट स्पोर्ट्स मीटिंग में कुछ अच्छा करते हो, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हो, ओलंपिक में अच्छा करते हो, हर दिन आपको लगता है कि आप कोई प्रेस करें। उसी तरह से इनको कोई अवार्ड नहीं मिले, इनको बहुत बुरा लगा। तो इनको लगा यार भाई देखो खाली फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड बनाने से मेरा काम नहीं होगा, तो उन्होंने फिर दोबारा यूरकुहार्ट को लेटर दिया कि आप मुझे कुछ आइडिया बताओ, सजेशन करो कि मैं कुछ तो करूं। तो इन्होंने फिर इनको बताया, फिर उन्होंने कहा एक डिसीज थी बेटा, कुछ ऐसे डिसीज थी जिससे क्या है मोनार्क कैटरपिलर मर जाते थे बेटा, तो उन्होंने उस पर डिस्कवरी करी कि बीटल्स की वजह से मर जाते हैं बीटल में, तो उसके लिए उनको अवार्ड मिला। फिर नेक्स्ट यह क्या है, इनको फाइंडिंग करनी थी कि वाइसराय बटरफ्लाई और एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, तो वाइसराय बटरफ्लाई बेटा मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है। इसलिए कॉपी करती है कि उनको लगता है कि मोनार्क बटरफ्लाई को ना बर्ड्स नहीं खाती, और दोनों पेपर जो वाइसराय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई विंग्स का फ़र्क है, तो वो क्या हम भी ये विंग्स को ऐसे मोड़ लेंगे तो हमें नहीं खाएगी, हालांकि दावा गलत साबित हुआ। फिर इसके लिए भी इनको अवार्ड मिला बेटा, जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिला, थर्ड प्राइज मिला काउंटी साइंस फेयर। फिर जब ये सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल में, तो उन्होंने एक इंसेक्ट हार्मोन डिस्कवर करा जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेवलपमेंट होती है। फिर अगले साल इनको एक प्रोजेक्ट मिला कि मोनार्क बटरफ्लाई में 12 गोल्डन स्पॉट्स क्यों थे, 12 गोल्डन स्पॉट्स का क्या काम है। पहले लोग कहते थे कि गोल्डन स्पॉट कोई काम नहीं, तो बनावट ही ऐसी, बाद में उन्होंने चाहा कि इन गोल्डन स्पॉट्स में एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन जो इनकी डेवलपमेंट में मदद होता है, मतलब जो कैटरपिलर से देखो प्यूपा कैटरपिलर जो स्टेज होती है उसमें मदद करता है, आगे जाके इसी फर्स्ट प्लेस मिला इसी चीज़ के लिए इनको। फिर इंटरनेशनल साइंस इंजीनियरिंग फेयर में इनको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में,
और जब थर्ड आए तो इनको चांस मिल गया इंटोमोल लेबोरेटरी वाटर वीड में काम करने का। फिर बेटा आगे जाके और फिर सीनियर ईयर में इन्होंने क्या किया, मोनार्क विंग से, मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसके विंग से सेल बना दिए। फिर आगे जाके इन्होंने जो हार्मोन डिस्कवर किया बताया था उसका केमिकल फॉर्मूला मिल गया, फिर इनको ऐसा प्रॉब्लम। फिर आगे जाके इन्होंने बताया सेल्स के बारे में, जो सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो डीएनए से कैसे हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, मतलब हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स में जाती है एनिमल्स में, हर तरह से क्यों ऐसा होता है इन्होंने डिस्कवर करा। फिर आगे जाके इनकी थ्योरी बेटा पब्लिश भी हुई, इनके दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने करे एक्सपेरिमेंट, आर्टिकल में पब्लिश भी हुई। इनके एक सर थे बेटा एरवायर, एसएसटी के टीचर थे, वो कहते हैं ये ऐसे स्टूडेंट ना, ये बड़ा क्यूरियस था, मतलब इनको ये नहीं था कि मैं जीतूं, बट ये था कि मैं बेस्ट करूं अपना, और हमेशा बेस्ट करने की आदत होती है इंसान की, जो होती है आज मैं गुड हूं, कल मैं बेटर होऊंगा, आने वाले टाइम में बेस्ट बनूंगा, ये इंसान को लगातार आगे करती है अपनी जर्नी कैरी करे में। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।